हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके ही चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो आपके सामने अवेलेबल है वो है सी एस के वर्स एस आर एस के बीच जो मैच होने वाले आई पी एल के इस मैच की वीडियो तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी और थोड़ी पहले वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा तो थोड़ा टाइम का इशू है टाइम की थोड़ी दिक्कत है इसलिए मैं पहले वीडियो मेरा फर्दर कोई अपडेट आते मैं डेफिनेटली आपको टेलीग्राम या फिर एक नई वीडियो छोटी डाल के बता दूंगा अदरवाइज मैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूँ बाकी वीडियो पूरा कवर करते हैं वीडियो को मैं समझ करना बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आई थिंक वो आपको ग्रैंड लीग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे तो इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आया हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है जिसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर आपको स्क्रीन पे नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सेम नेम्स हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है आपको सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल का जो रियल और ओरिजिनल चैनल है उससे जुड़ना कैसे है क्योंकि फेक चैनल अवेलेबल है आपको रियल ऑरिजिनल चैनल से जुड़ना कैसे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जहाँ होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा या फिर आपको जाना जहां कमेंट करते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जहां नीचे कमेंट करते हैं वहां जाके देखोगे सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा ब्लू कलर का उस लिंक पे क्लिक करोगे चैनल ओपन हो जाएगा टेलीग्राम का उसको दाकर ज्वाइन कर लेना है तो फाइनल अपडेट और इंपॉर्टेंट न्यूज आपके वहीं शेयर होगी तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और एक और इम्पॉर्टेंट बात है अगर आपको ग्रैंड लीग रिलेटेड कोई वीडियो बनानी है मतलब ग्रैंड लीग में कैसे विन करना है और ड्रीम इलेवन में अगर आपको करियर बनाना है ड्रीम इलेवन में आपको अच्छा खासा विन करना है लॉन्ग टाइम में तो आपको आई थिंक मैं सजेस्ट करूंगा कि ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन दिखाई दे रहा होगा आई करेंगे कुछ लिखा होगा व्हाइट कलर का आई दिख रहा होगा उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे तीन वीडियो खुल के दिख जाएंगी या फिर साइड में दिख जाएंगे या फिर नीचे दिखेंगे तीन वीडियो वो तीन वीडियो मैंने स्पेशली ग्रैंड लीग परप के लिए बनाई है तो वो तीन वीडियो जरूर देखना आई थिंक आपको ग्रैंड लीग में बहुत ज्यादा हेल्प होगी अभी आईपीएल बहुत लंबा है तो आई थिंक आपकी हेल्प हो जाए आप एक बड़ा अमाउंट जीत सकते तो वो वीडियोस को जरूर मिस मत करना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगे आपके लिए तो करते हैं यहाँ पे स्टार्ट एस आर एच थे एस आर एच की बात करें तो उनका स्क्वाड जो आईपीएल का अनाउंस हुआ ये मिचल मार्श को बाहर करो इसकी जगह आ गया जेसन होल्डर इसके बारे में नीचे नोट भी डाल रखा बिग न्यूज मिचल मार्च जो तेईस सितंबर सितम्बर को अनाउंस हुआ था कि मिचल मार्च टूर्नामेंट से आउट हो चुका है इंजरी की वजह से उसकी जगह आएगा जेसन होल्डर जो तेईस तारीख से आई थिंक उसका अनाउंसमेंट आता था तो चौबीस तारीख को आई थिंक वो पहुंच गया होगा चौबीस पच्चीस को तो उसका छह दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड था वो आई थिंक पूरा हो चुका है और मैं लिखा भी है नीचे कहीं पे जो जो क्वारंटाइन पीरियड जो जैसन होल्डर को छः दिन कंप्लीट करने हैं उसी के बाद वो कोई मैच खेल पाएगा तो आई थिंक शायद वो नेक्स्ट मैच में अवेलेबल हो तो पर फिर भी मुझे लगता है कि टीम में जगह बन नहीं पाएगी बट शायद आई थिंक मेरे को पूरे चांस नज़र आते क्योंकि अवेलेबिलिटी है नेक्स्ट मैच में क्योंकि छः दिन तेईस के बाद लगाए चौबीस भी चौबीस को भी प्रेजेंट हुआ होगा तो चौबीस के बाद छः दिन लगा होता आई थिंक वो कंप्लीट कर चुका है वो छः दिन तो आई थिंक अब उसको अवेलेबल होगा मैच में सिलेक्शन के लिए बट सिलेक्शन के चांसेस कम है तो यहाँ पे बात करते आते हैं पिच के बारे में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है और जो अभी देखेंगे तो कुछ मैचेस यहां हुए हैं और सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहां पे जिसने टीम ने बैटिंग फर्स्ट करी है वो सौ परसेंट रिकॉर्ड है मतलब वो सारे मैचेस जीते हैं और आई थिंक एक आधा टाई वगैरह भी हुआ है सुपर ओवर है मैच का पर स्टिल देखा जाए तो फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम अभी तक जीती है हंड्रेड रिकॉर्ड है इस पिच पे तो ये बात देखने वाली लायक है और यहाँ पे आपको ये बात की जो टीम पहले बैटिंग जो टॉस जीतेगी वो डेफिनेटली आपको एक फैक्टर नजर आएगा पहले बैटिंग करते हुए दिखेगी क्योंकि वो ट्रेंड फॉलो करेगी और नहीं तो कल कल आपने राजस्थान रॉयल को देख लिया होगा जिन्होंने क्या करा कि बैटिंग टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला करा वो उनको बढ़िया भारी क्योंकि उनका मेडल ऑर्डर थोड़ा कोलेप्स हो जाता जल्दी तो यहाँ पे ये फैक्ट है दूसरा फैक्ट है स्पिनर केम इनटू द एक्ट अब बताऊँ स्टार्टिंग के जितने मैचेस थे उसमें क्या था कि जो पिच होती है पिच पे ग्रास अवेलेबल थी ग्रास का मतलब फायदा क्या होता है ग्रास का होने का कि फास्ट बॉलर जो सीमर्स होते हैं उनको अच्छी खासी पेस मिलती है बाउंस वगैरह मिलते हैं इसके कारण स्टार्टिंग में बॉल थोड़ी बहुत लहरती है और थोड़ी तेजी से जाती है और बाउंसर वगैरह इफेक्टिव भी लगते हैं बट अब क्या है कि पिच पे ग्रास जितनी स्टार्टिंग के मैच में थी उतनी नहीं है क्योंकि मैच के बहुत सारे मैचेस के लिए पिच यूज़ हो चुके तो डेटोरेट हो जाते हैं पिच काफी टाइम बाद यूज़ करते जाओ तो पिच पे क्रैक्स वगैरह भी आने

एस के तीन मैच जीती है एसआरएच तो यहाँ पे सीएस का बॉल वाला भारी है थ्री टाइम्स ज्यादा बार मैच जीती है और यहां पे बात करें 2019 में लास्ट ईयर एक दो मैच हुए थे इनके बीच जिसमें से एसआरएच जीती थी और सी एस के तो लास्ट ईयर उनका फिफ्टी फिफ्टी रेशियो रहा और कुछ लास्ट मैचिस में इन प्लेयरों के जो तो मेन प्लेयर है दोनों टीम में उनके रिकॉर्ड वगैरह आपके सामने निकाल के रखे हैं वार्नर ने लास्ट ईयर में दो मैच खेले सीएसके के गेंच्च दोनों में फिफ्टी प्लस स्कोर किया तो यहाँ पे सीएसके के गेंच देखोगे तो वार्नर का अच्छा रिकॉर्ड है दो में आई थिंक अवेलेबल नहीं था आपको याद होगा बॉल टेम्परिंग के चक्कर में स्टीवन स्मिथ और ये अवेलेबल नहीं था तो आई थिंक अब कोई याद होगा तो दो हजार का इसका स्टैट नहीं होगा तो बाकी देखा जाए लास्ट ईयर वार्नर वार्नर का दो फिफ्टी लग चुकी है यहाँ पर सी एस के अगेंस्ट बाकी बात करें वाटसन की तो लास्ट ईयर वाटसन ने थर्टी वन रन की इनिंग खेली और एक मैच में नाइन्टी सिक्स की तो मतलब और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है दो हजार अट्ठारह का आपको फाइनल याद होगा एस आर एच वर्सेस सीएस के हुआ था जिसमें वॉटसन ने सेंचुरी लगाई थी तो देख रहे हो वॉटसन की लास्ट तीन इनिंग उठा के देखोगे यहाँ पे एस आर एच के अगेंस्ट तो देखोगे तो ऑलमोस्ट दो बार सेंचुरी मार चुका है तो वॉटसन मेरे लिए हो सकता है कल फैक्टर बड़ा क्योंकि जब कोई प्लेयर का को किसी टीम के अगेंस्ट का अच्छा रिकॉर्ड होता है तो मैं बोलूंगा स्मॉल लीग से भले तो मिस मत करना क्योंकि रिकॉर्ड अच्छा है और आप एक थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर करना तो मेरे ग्रैंड लीग के पहले पिक बन सकते हैं यहाँ पे आपके लिए शेन वॉटसन तो ध्यान रख के चलना वॉटसन वाट लगा सकता है स्टार्टिंग के कुछ ओवर भुवनेश्वर वगैरह के निकाल दे बाकी आते हैं जॉनी बेस्ट हो के लास्ट ईयर जीरो पे और सिक्सटी वन पे आई थिंक दो हजार अठारह में ये अवेलेबल नहीं था क्योंकि दो हजार उन्नीस में शायद बेस्ट हो को परचेज कराया आई पी एल में तो यहाँ पे दो हजार अठारह का अवेलेबल नहीं होगा उन्नीस में जीरो और सिक्सटी वन और रिसेंट तो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है बाकी बात करें फैफ के बारे में तो लास्ट ईयर वन और फोर्टी फाइव की इनिंग के लिए एक मैच में एक रन एक में फोर्टी फाइव और राइडो की लास्ट टू लास्ट ईयर बताऊँ तो यहाँ पे एक सेंचुरी है ओपन करते हुए मारती थी राइडू फॉर्म में भी और रिसेंट में और राइडू के बारे में एक न्यूज भी अभी बताता आपको एक आइए न्यूज कि राइडू के बारे में तो अभी इंजरी पहले मैच का इसको तो इंजरी हो गई बट अभी न्यूज आ रही है कि जिनका सीईओ है उसने कहा है सीईओ जो, जो राइडू है वो अवेलेबल हो सकता है क्योंकि उसने प्रैक्टिस सेशन है प्रैक्टिस भी करी है और उसने स्प्रिंट भी लगाया मतलब रेस भी लगाई है और भागा वगैरह भी है तो फिट है कोई अनकंफर्टेबिलिटी नहीं है तो मोस्टली चांस है आपको कल वाले मैच में खेलता हुआ दिख सकता है राइडू तो ये चांस बन सकता है और किसके जगह आएगा वो गायकवाड़ की जगह आएगा आएगा तो बाकी बात करें पांडे का एट्टी लास्ट ईयर है और यहाँ पे बात करें राशिद खान की दो विकेट और एक विकेट और बाकी विलियमसन का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है मैंने तीन चार साल दो तीन साल का निकाल के देखा विलियमसन का तो यहाँ पे 84 लास्ट ईयर मारा 51 मारे हैं और उससे पहले वाले ईयर भी अच्छी खासी बैटिंग करी मतलब तो विलियमसन एकदम टॉप नॉच में है सी के अगेंस्ट तो एक बड़ा फैक्टर होने वाला है आपके लिए विलियमसन और लास्ट मैच भी अच्छी बैटिंग कर रहा था तो आई थिंक सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात कवर कर दी बात आते हैं यहाँ पे प्लेइंग इलेवन में क्या होने वाले डेविड वार्नर आएगा यहाँ पे जॉनी बेस्टो के साथ ओपन करने वार्नर की बात करें तो अब अच्छे टच में नजर आ रहा है दो मैच में थोड़ी 36 और 45 की इनिंग खेली तो एक थोड़ी टच में नजर आता और मैंने आपको कहा था कि आईपीएल आ गया अब आईपीएल में वॉर्नर बहुत कंसिस्टेंट रहता है बहुत कम फेल होता है क्योंकि कैप्टेंसी का इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक एंड को संभाले खेलता है और अच्छा खेलता है स्मॉलिंग में मिस करना इसको रह सकता है रिस्की क्योंकि अब टच में आ चुका है तो ऐसा प्लेयर है कभी भी एक एग्रेसिव इनिंग खेल के मैच को इधर से उधर कर सकता है बट अभी उतने अच्छे टच में नहीं बट स्टिल बोलूंगा कि आपको अच्छी इनिंग खेल के दे सकता है डेविड वार्नर और स्पिन स्टार्टिंग में बात करें फास्ट बॉलर यहाँ पे चेहर वगैरह की स्विंग से हल्की बहुत दिक्कत हो सकती है अदरवाइज़ मुझे लगता है नहीं कोई दिक्कत इतनी है बाकी बात करें तो जॉनी बेस्ट और रिसेंट बहुत अच्छी फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई है जब से देख रहा हूँ तब से बहुत अच्छी टच में है और लास्ट मैच भी अभी तक आईपीएल के दो मैच में दो फिफ्टीज लगा चुका है और बहुत गजब फॉर्म में है आईपीएल के तीन मैच में दो फिफ्टी लगा चुका है लास्ट मैच ये अच्छी करी लास्ट मैच में पहले में ओवर में एक कैच वगैरह छोटी थी बट देखा जाए तो जो फॉर्म में होता है वो आपको मोस्टली टाइम एक अच्छी इनिंग खेलते दिखेगा और मेरे लिए बेस्ट हो सकता है अच्छी पे कि दो टॉप ऑर्डर के प्लेयर मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं इनको इससे कोई भी एक अच्छी इनिंग खेल सकता है और रिसेंट में बेस्ट हो तो बहुत अच्छी फॉर्म में है और बहुत कम फ्लॉप हो रहा है और अभी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज याद भी होगी सेंचुरी लगा के आ रहा है एट्टी फोर वनडे हमारे और उसके बाद लास्ट मैच में सेंचुरी लगाई थी और दो फिफ्टी लगा चुका है तीन मैची से बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लस विकेट कीपिंग करा रहा था कैचिंग स्टम्पिंग के पॉइंट भी देगा बाकी बात करते मनीष पांडे का भी अच्छा रिकॉर्ड है टच में भी अच्छा लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गया था बट स्टिल कहूंगा कि पांडे जी अच्छा टच में तो पांडे अच्छा कर सकता है तो यहां पे टॉप फोर इनका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो पांडे का भी अच्छा रिकॉर्ड है के अगेंस्ट तो देखा जाए तो पांडे भी अच्छा कर सकता है और पांडे टच में भी पहले मैच दो मैच में अच्छी बैटिंग भी करी है तो पांडे जी ऑन टॉप नॉच बाकी बात करें विलियम सरकार रहता है कि के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और लास्ट मैच में बैटिंग अच्छी कर टॉप फोर होने वाला है बहुत धमाकेदार अगर टॉप और टॉप फोर में अच्छे कर सकता है कोई बैटिंग तो चारों ही ऐसे प्लेयर है कोई भी बड़ी इनिंग खेल सकता है वो अब इनके ऊपर है कि वो कैसा शॉट खेल सकते अब इनके बैटिंग में कोई कमी नहीं है शॉर्ट सिलेक्शन के ऊपर होगा कि कैसा शॉर्ट सिलेक्शन करते हैं उसके चक्कर में कैसा आउट होते हैं वो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं बाकी देखोगे तो कोई नज़र नहीं आती मुझे कमी किसी बैट्समैन में मिडिल ऑर्डर में थोड़ा स्पिनर वगैरह मुझे लगता है थोड़ा फैक्टर डाल सकते हैं अपन ने पियूष चावला देखे तो और मिडिल ऑर्डर पर जाडेजा वगैरह तो बट ये अच्छे प्लेयर है स्पिनर्स वगैरह की भी बाकी बात करें आते हैं यहाँ पे अब्दुल समद लास्ट मैच में एक अच्छे से अच्छी बैटिंग करी आई थिंक एनरिच नोजे जगह वोल पर छक्का भी लगाया था और यहाँ पे ए समद के बारे में बात करें तो रणजी में अगर आपको ना पता हो तो इसने 60 बॉल मैच बॉल पे सेंचुरी भी लगाई रणजी आपको नहीं पता तो डोमेस्टिक होता है इंडिया में वो टेस्ट मैच का टेस्ट मैच होता है एक तरीके से पाँच दिन का और उसमें इसने चौ बासठ बॉल पे सेंचुरी लगाई है रिसेंट में और इसका रिकॉर्ड देखोगे डोमेस्टिक में शॉट छोटे फॉर्मेट में तो ये है अब्दुल समद का ग्यारह मैच में दो सौ रन छिहत्तर हाइस्ट और चालीस के एवरेज और लास्ट में अच्छा कर दिखाया पर स्मॉल लेग टाइप पिक नहीं बोलोगा क्योंकि बैटिंग आने ना आने के चांसेस बहुत कम है और अभी टेम्परामेंट बाकी हिटिंग वगैरह अच्छी कर लेता है इसकी बैटिंग देखना बैटिंग अच्छी करता है बहुत लंबे लंबे छक्के लगाता है अब्दुल समद एफर्टलेस बाकी बात करें प्रियम गर्ग के तो अभी तक पहले मैच से अभी तक मैं आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ क्यों खिलाड़ी टीम से कि अंडर 19 का इसका वर्ल्ड कप भी बैटिंग से कोई अच्छा गया नहीं किसी मैच में आई थिंक एक भी बढ़िया इनिंग खेली नहीं तो प्रियम गर्ग का कोई रोल समझ नहीं आता एकदम वेस्ट या इसी यहाँ पे एक ऑलराउंडर या फिर एक बॉलर या एक बैट्समैन को खिला लो जो अच्छा हो थोड़ा हिटर वगैरह कर लेता यहां हो यहाँ पे विजय शंकर को खिला सकते हो जो एल ऑल परफॉर्मेंस कर सकता है बट स्टिल समझ जा रहा है टीम क्यों यूटिलाइज नहीं कर रही विजय शंकर का कोई इंजरी वगैरह में ख्याल है नहीं हो शायद हो तो बट अभी तक मेरे को पता नहीं है विजय शंकर के बारे में क्यों नहीं खिला रहे उसे पहले मैच के बाद बाकी बात करें रहे अभिषेक शर्मा अच्छा खासा प्लेयर है चार ओवर पूरे करेगा और बैटिंग लास्ट में हिटिंग बहुत अच्छी कर लेता है लाइक जडेजा वाला रोल प्ले करने वाला है यहाँ पे सी की तरह तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है हिटिंग वगैरह अच्छी कर लेता है यहाँ पे इसको प्रमोट भी कर सकते हैं टीम यहाँ पे हिटिंग के लिए प्रिये गर्ग के ऊपर प्रेम गर्ग से अच्छा हिटर है लंबे लंबे छक्के मारता है और आपको याद ना आई थिंक डी सी दिल्ली के लिए आई थिंक खेलता था पहले इसने दिल्ली के अगेंस्ट भी अच्छी दिल्ली के लिए खेलते हुए अच्छी बैटिंग करी थी बाकी राशिद खान मिडिल ऑर्डर पर कर सकता है कुछ फैक्टर डाल सकता है लास्ट में जब तीन विकेट लेके गया तो यार शायद आपको यहाँ पे मिडिल ऑर्डर पे देखा क्योंकि पिच अब थोड़ा बहुत स्पिनर्स को कर सकते हैं सपोर्ट बाकी बैटिंग भी अच्छी कर लेता है राशिद खान तो अब बाकी भूवी के बारे में बात करें स्टार्टिंग में वाटसन वर्सेज भूवी देखने लायक होगा कि कौन वाटन हावी होता है या फिर भूवी हावी होता है तो वाटसन वर्सेज भूवी देखने लायक हो सकता है तो यहाँ पे देखते हैं अगर वाटसन स्टार्टिंग के ओवर निकालते तो एक बड़ी इनिंग खेल सकता है अच्छा रिकॉर्ड है यहाँ पे एस के अगेंस्ट नटराजन के बारे में बात करें बहुत अच्छी ऑर्कर वगैरह डाल रहा है मुझे नहीं लगता कि इसको टीम शायद बाहर निकालेगी बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर रहा है कॉल को अभी तक चांस नहीं मिला बट क्या पता टीम दे दे बट अभी नजर नहीं आता खलील की जगह दे सकते हैं देना चाहे तो बट अभी दोनों ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं दोनों ही ये पांच बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और पांचों ही के आई थिंक ज़्यादा टीम चांस नहीं है कि लास्ट में जब हुई भी फॉर्म में आ गया दो विकेट लेके आ गया बाकी नटराजन अच्छी ऐसी और कर डाल रहा है टीम को जरूरत भी है तो उसको बाहर करने के चांस कम है खलील अहमद के पास एक्सपीरियंस है और अच्छी खासी बॉलिंग कर लेता है डेथ वगैरह में भी डाल लेता है तो यहाँ पे पेस भी है हाइट भी है तो कॉल के चांसेस थोड़े कम नजर आते हैं बाकी कॉल खेलेगा तो इसके बाद वेरिएशन वगैरह बहुत अच्छे हैं नबी बाहर बैठेगा यहाँ पे बिल्ली स्टाइन लेक बाहर बैठेगा और यहाँ पे विराट सिंह है विराट सिंह डोमेस्टिक का इसके स्टैट देख सकते हो अगर बाई चांस टीम मौका दे प्रियम गर्ग वगैरह की जगह तो शायद इसके स्टैट्स आपके काम आ जाए बाकी बात करें आते हैं जैसन होल्डर तो अभी जगह बनती नहीं अगर विलियमसन खेलेगा तो बाकी यहाँ पे आता है संदीप शर्मा रिद्धिमान शाह श्रीवस्त गोस्वामी तो उनके चांस नज़र मुझे नहीं आते अभी तो आई थिंक मैंने सारे फैक्टर आपको क्लियर कर दी तो बात करते हैं यहाँ पे सी का स्क्वाड ये अराउंड हुआ तो आप देख सकते हो ये आई पल के लिए बाकी आपको एव्रिवेशन काम आ जाएगी आर का मतलब राइट फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर एल का मतलब आर का मतलब होता है राइट एंड बैट्समैन लेफ्ट एल एच का मतलब लेफ्ट एंड बैट्समैन बाकी बात करें आते हैं यहाँ पे प्लेइंग एलेवन के बारे में बात करें तो शेन वाटसन के बारे में थोड़ी बात करते हैं वाटसन का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है जैसे कि मैंने कहा पहले बता दिया दो ऑलमोस्ट दो सेंचुरी लगा चुका है लास्ट तीन मैच में एक बार नाइन्टी सिक्स एक बार सौ प्लस एक सौ सत्रह के आसपास नट आउट इनिंग खेलती है फाइनल में तो अच्छा रिकॉर्ड है मिस मत करना गेम चेंजर बन सकता है यहाँ पे शेन वाटसन आई थिंक मैंने ये लास्ट मैच में लिखा हुआ इसको हटा हुआ इवेंट ठीक है तो यहाँ पे वाटसन के बारे में और चार सेंचुरीज अभी तक आई पी एल में इसकी तो एक बड़ा प्लेयर है छोड़ने लायक प्लेयर नहीं है क्योंकि कभी भी ये बड़ी इनिंग खेल सकता है और खासकर करते ऐसा में रिकॉर्ड वेस्ट अच्छा है विजय के बारे में बात करें स्मॉल लीग टाइप बिल्कुल अच्छे पिक नहीं है टीम को आई थिंक किसी और को ट्राई करना चाहिए बिल्कुल फॉर्म में नहीं है बट एक फैक्टर इसके साथ जो है आई में अभी तक दो सेंचुरी लगा चुका है तो टीम के पास और ऑप्शन भी ओपनिंग स्लॉट में थे आई थिंक अवेलेबल नहीं है तो टीम इसके लिए साथ कंटिन्यू कर रही है तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे टीम चाहे तो यहाँ पे फाइव डूप्लेक्स ओपन करा सकती है और यहाँ पे विजय को बाहर कर सकते हैं देन अगर आता है यहाँ पे अंबाती राइडू तो यहाँ पर राइड्यू खेल सकता है देन गायकवाड़ की जगह के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं बॉलर और एक, एक एक्स्ट्रा बॉलर को यहाँ पे करण शर्मा वगैरह को खिला सकते हैं टीम ये कर सकती है विजय को बाहर करके क्योंकि फैफ ओपन भी कर लेता है इसे करा भी है लास्ट ईयर वाटसन के साथ तो ये चांस बन सकता है यहाँ पे मुरली विजय बाहर हो सकता है क्योंकि टीम दो मैच हार चुकी है बाकी बात कर रहे आते हैं यहाँ पे मुरली विजय तो अच्छी फॉर्म में नहीं है और टच में नजर नहीं आ रहा और अपोनेंट के पास अच्छे खास बॉलर है भुवनेश्वर कुमार वगैरह तो थोड़ा दिक्कत देंगे स्टार्टिंग में तो ऐसा खेल में मेले अच्छी पिक रहने वाला नहीं है अगर फैफ डुप्लैसी बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है आई थिंक राइड वू तो अभी बाहर हो गया बाकी राइड को देख के छोड़ा जाए तो यहाँ छोड़, देख छोड़, छोड़ के देखा जाए तो यहाँ पे फैफ डुप्लैसी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है दो प्लस दो फिफ्टी प्लस स्कोर लगा चुका है काफी अच्छी फॉर्म में तो फेफ डुप्ले पर रहिए खास नजरे और इनकी टीम में इसके ऊपर काफी रोल रहने लगा क्योंकि यही अच्छा खासी फॉर्म में टच में नज़र आ रहा है फैफ डुप्लैसी इसलिए स्मॉलिंग में मसी मत करना ठीक अच्छा ऑप्शन है और अच्छा प्लेयर है स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलता है बाकी बात करें आते हैं यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ दो मैच बिल्कुल फ्लॉप गए इसके एक बार लास्ट मैच रनआउट ही हो गया तो मुझे लगता है लगता है क्या कन्फर्म ही अगर राइडू आएगा तो ये बाहर ही जाएगा कन्फर्म बाकी अगर नहीं आता राइडू तो शायद टीम क्या पता एक और चांस दे दे बट शायद टीम को एक बैट्समैन करके एक ऑलराउंडर यहाँ पे जैसे कर्ण शर्मा वगैरह शायद जाना चाहिए अगर फॉरनर तो अवेलेबल नहीं हो पाएगा शायद तो यहाँ पे टीम शायद जा सकती है बाकी बराबरों के बारे में न्यूज़ आ रही है कि शायद ये अभी अवेलेबल नहीं होगा कुछ इंजरी कंसर्न है इसका भी गायकवाड़ा है यहाँ पे तो गायकवाड़ा ये तो स्पॉट अगर राइडू के लेगा तो डेफिनेटली स्मॉल लीग में लेना ही लेना है। सेंचुरी है यहाँ पे एस के अगेंस्ट इसकी एक तो अच्छा प्लेयर ओपनिंग बै, बैटिंग करते हुए मार देता भी इसने देन जाधव आएगा आपके लिए जाधव तो क्या करूँ यहाँ पे थोड़ा ये जो चार प्लेयर है इनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है धोनी कुछ भी कर सकता है कभी इसको ऊपर भेज देगा कभी ये भेज देगा कभी खुद नीचे आएगा कभी खुद ऊपर आएगा तो यहाँ पे लगा लो टॉप थ्री अगर राइड हुआ था टॉप फोर तो बैटिंग ऑर्डर फिक्स आएगा बट इसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कौन कौन से बैटिंग ऑर्डर पाएगा धोनी कुछ भी कर सकता है तो इसका यहाँ पे आप प्रेडिक्ट करना छोड़ दो कि कौन से नंबर पर क्या आएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग धोनी कुछ भी कर सकता है और धोनी ऊपर नीचे और कभी भी कर सकता है सिचुएशन को क्रिएट तो वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे ये लास्ट जो चार स्पॉट है करण भी, भी आ सकता है ऊपर यहाँ पे जडेजा भी आ सकता है जाधव भी आ सकता है जाधव नीचे भी आ सकता है धोनी भी ऊपर आ सकता है तो कोई भी आ सकता है ऊपर नीचे तो स्मॉल लीग के लिए मैं बोलूंगा नहीं आपको जाधव ट्राई करो अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है ज्यादा आपके लिए अच्छी इनिंग खेलता सकता लास्ट दो मैच थोड़ी एक बड़ी इनिंग खेली पर एक दो छोटी इनिंग्स अच्छी खेली थी बाकी करे जडेजा तो चार ओवर करेगा प्लस लास्ट दो मैच अच्छे नहीं गए इसके बट स्टिल बोलूंगा एक दो कैच एक्सपेक्ट कर सकते हो इसे फील्डिंग में जहां आपको कुछ पॉइंट देगा प्लस एक आधा विकेट एक्सपेक्ट करके चला क्योंकि स्पिनर के लिए हल्का फुल्का सपोर्ट है बीच में uh, क्योंकि ग्रीनरी उतनी अब है नहीं ग्रास वगैरह और यहाँ पे बात करें फील्डर है बैटिंग भी आपको रोल करके प्ले कर सकता है अगर मौका मिले तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए स्मॉल लीग में रविंद्र जडेजा बाकी बात करें सैम सैमक्रेन बहुत अच्छी टच में नजर आ रहा है दोनों भाई बहुत अच्छे टच में जा रहे हैं बैटिंग प्लस बॉलिंग से चार ओवर पूरे करेगा डेथ में बॉलिंग कर रहा है यहाँ पे सैम करन प्लस फील्डिंग भी ठीक ठाक अच्छी कर लेता है और बैटिंग पर भी टीम उसको प्रमोट करती है हिटिंग वगैरह के पहले दो मैच में टीम ने इसको यूज़ करा छः बॉल पे अट्ठारह बीस रन मार के आया भी है और एक आधा विकेट एक्सपेक्ट करके चलो तो यहाँ पे करण आपके मॉलिक के लिए अच्छी पिक बन सकता है देन आता है यहाँ पे राविंद्र जडेजा Uh, के बाद आता है धोनी करण धोनी बट यहाँ पे जो मिडिल ऑर्डर पे रहेगा यहाँ पे राशिद खान थोड़ा रहेगा फैक्टर राशिद खान से बच के रहना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को क्योंकि इसने धोनी वगैरह को भी एल और बोल्ड मारा हुआ है तो यहाँ पे राशिद खान फैक्टर रहेगा मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के लिए अगर स्टार्टिंग में वाटसन अगर अच्छा खेलता और मिडिल ऑर्डर में आता तो इसके लिए राशिद खान थोड़ा फैक्टर रहने वाला है राशिद खान सबके लिए रहेगा एक सर दर्द बाकी बात करें आते हैं यहाँ पे सैम करने के लिए धोनी या धोनी कुछ भी ऊपर नीचे आ सकता है इसके बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है अगर सी एस के पहले बैटिंग करते हैं आप टीम में रख सकते हो अदरवाइज सेकंड बैटिंग करें तो आपके ऊपर है रखो या ना रखो क्योंकि धोनी का बैटिंग ऑर्डर का कोई कन्फर्मेशन नहीं है सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये कुछ भी कर सकता है इसलिए धोनी आप ग्रैंड लिग में ट्राई करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा और दो बार मैंने तो ग्रैंड लिग में ट्राई भी करा और दोनों बार एक बार तो मेरी जब जी लगी थी अभी चौथे मैच में हमारी तो उसमें धोनी ही था जिसमें तीन छक्के आपको याद हो तीन बॉल पर आई थिंक टॉम करन की बॉल पर छक्के मारे थे तीन देने कहा दीपक जहर बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है नाम बड़ा नहीं है बट कंसिस्टेंट प्लेयर है हर मैच में एक से दो विकेट एक्सपेक्ट करके चलो ला के देगा बैटिंग भी अच्छे के लेता है अगर मौका दो और दूसरी तीसरी बात है डेथ में बॉलिंग कर लेता है और अच्छा प्लेयर है कंसिस्टेंट है टीम में रख के चलना है बाकी बात करें चावला के बारे में तो चावला की बहुत पिटाई हो रही है लास्ट मैच में विकेट निकाले गया है बट स्टिल चावला उतने से टच में नहीं है जितना मैं एक्सपेक्टेशन थी टीम को जितना मैं इसको परचेज किया था बट अब पीछे से थोड़ी स्लो डाउन होंगे तो यहाँ पे चावला भी रोल प्ले करेंगे क्योंकि फ्लाइट ज़्यादा रोल प्ले करता है अमित मिश्रा को जब हेल्प मिल रही है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि चावला भी रोल प्ले कर सकता है क्योंकि अमित मिश्रा और चावला दोनों ही लाइक स्पिनर है और दोनों ही फ्लाइट पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं और ज़्यादा छोटी वगैरह डालते नहीं है और थोड़ा चावला है थोड़ी पेस रखता है तेजी बट अमित मिश्रा बहुत स्लो रखता है इसके कारण उसको विकेट मिलती है अगर चावला की बॉल में थोड़ी पेस है इसके कारण ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है कई बार बाकी देखा तो चावला का अच्छा रिकॉर्ड रहा कि एक के आर के लिए खेलते हुए और चावला और शायद टीम कंटिन्यू करे और यहाँ पे शायद तो टीम करण शर्मा को ला सकती है करण शर्मा का भी सेम रोल प्ले है करण शर्मा का भी थोड़ी फ्लाइट कम डालता है तेज डालता है बट दोनों ही पीयूष चावला करण शर्मा देखोगे तो लेग स्पिनर है और दोनों ही दोनों अच्छी बैटिंग कर लेते तो हैं दोनों के यहाँ टीम चाहे तो ट्राई कर सकते हैं करण शर्मा को बाकी स्मॉल लीग के लिए मैं दोनों में से किसी को नहीं लूंगा स्मॉल लीग में मेरे रहने वाला है नहीं ग्रैंडिंग में जरूर करना क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो में कहा है कि यहाँ पे स्पिनर थोड़ा रोल प्ले कर सकते हैं बाकी आते हैं यहाँ पे जोश शेजलवु मुझे इससे बढ़िया टी ट्वेंटी फॉर्मेट में एंगीडी लगता है भले ही पिटाई करी हो आर्चर ने उस मैच में बट स्टिल मैं बोलूंगा कि एंगीडी ज्यादा बेटर रहेगा uh, क्या है कि इकोनॉमी uh, तो अच्छी है बट यहाँ पे विकेट भी चाहिए आपको टी ट्वेंटी ऐसे फॉर्मेट में तो शायद वो एंगीडी ला दिखता है तो देखा जाएगा कि एंगीडी खेलेगा या जैशो है जोश जो हेजलबु एंगीडी खेलेगा तो हंड्रेड टीम में लूंगा मैं हेजलबुड खेलेगा तो डिसाइड करेंगे कि सी बैटिंग फर्स्ट करेगी तो शायद इसके आज जा सकते हैं अदरवाइज देखेंगे बाकी सिलेक्शन टीम क्या क्रिएशन होती है टीम की वो ताहर बार बैठता हुआ दिख रहा है क्योंकि स्पिनर को Uh, क्योंकि चार में से नजर आता है कि यहाँ पे फैफ होगा यहाँ पे वॉटसन होगा करण और यहाँ पे एंगीडी तो चार नज़र आता है चाय पता टीम एक इंडियन फास्ट बॉलर जैसे uh, कौन है शार्दुल ठाकुर को लाए तो यहाँ पे कर सकते हैं देन यहाँ पे चावला वगैरह की जगह टीम चाहे तो खिला सकती है इमरान ताहिर को क्योंकि पिच अब कर सकते हैं स्पिनर को सपोर्ट बाकी बात कर रहे आते हैं यहाँ पे मैच मिचेल सेंटिनर Uh, एक, आपको अगर खिलाना चाहो तो खिला सकते हो एक बैट्समैन का भी रोल प्ले कर सकता है बट ज्यादा ही डीप हो जाएगी बैटिंग में क्योंकि ऑलरेडी इनके पास बैट्समैन वगैरह ऑलराउंडर अवेलेबल है तो शायद टीम को ताहिर के साथ जाना चाहिए एक फास्ट बॉलर कम करके अगर टीम इनमें से किसी को भी खिलाती है शार्दुल ठाकुर के साथ जाती है तो यहाँ पे हो सकता है ये चांस ताहिर के अंदर आने की बाकी कर्ण शर्मा को मैंने बता दिया है एंगीडी के बारे में यहाँ पे कर्ण ब्रावो के भी इंजरी कंसर्न है तो शायद चांसेस कम है क्रेडिट अवेलेबल है उससे मैंने टीम बनाई है तो ये पूरे क्रेडिट यूज हो गए हैं और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो टीम ये बन के नजर आती है आप देख सकते हो कंटिन्यू तो ये पूरे क्रेड यूज करके टीम बनी है तो तुम्हारे पूरे क्रेड यूटिलाइज हो गए उसके अकॉर्डिंग टीम ये बनी है कैप्टन आपके पास तीन ऑप्शन बोलूंगा आपके लिए अच्छे रह सकते हैं जॉनी बेस्ट हो ये विकेट कीपर है एक दो कैच बेस्ट कैच वगैरह का पॉइंट भी देगा और फॉर्म में भी है तो यहाँ पे अल्टीमेट चॉइस है कैप्टन कैप्टन के लिए जॉनी बट आप फेफ डू प्लेसी के साथ देख सकते हो फैफ डू प्लेसी ज़्यादा अच्छे टच में और एक अच्छे टच में दो तीन मैच मैसेज नजर आ रहा है अच्छी फॉर्म में पे और कैचिंग में दो तीन कैच एक्सपेक्ट करके चलो बाउंड्री लाइन पे आपको दे सकता है और अभी तक देते हुए आया अभी तो यहाँ पे फैफ और इसके बाद जा रहा हूँ आपके पास डेविड वार्नर पे जो कंसिस्टेंट है तीन के ऊपर स्पेशल ध्यान रहेगा चौथा जाना है, जान है ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना है शेन वर्सों का एस पर रिकॉर्ड मैंने बताया एस आर एगेंट बहुत बढ़िया है और यहाँ पे केन का भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है एसआर अगेंस्ट इसको भी ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कर सकते हो देन पांडे वगैरह को देख सकते हो बाकी मैंने आपको तीन चार ऑप्शन बता दिया ये और बॉलिंग में अगर क्रेट अवेलेबल नहीं है अगर क्रेट अवेलब तो मैं राशिद खान ले लूँ भुवनेश्वर कुमार की जगह आ, तो क्रेट अवेलेबल नहीं हो रहा है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा पांडे को शायद थिंक ड्रॉप करना पड़ेगा उस चक्कर में आपको तो स्मॉल लीग के लिए टेम्प्रेरी बेस पर टीम बनी ग्रैंड लीग की टीम दिखाता हूँ अब तो एक टीम ये भी क्रिएट रहती है अगर राइडू नहीं खेलता तो राइडू की जगह हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर राशिद खान और यहाँ पे एंगेडी ले सकते हैं अगर एंगीडी खेलता है एंगेडी नहीं खेलता देना आप पीयूष चावला को भी सिलेक्ट कर सकते हो तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है बाकी आपको जडेजा लेना होगा तो उसके लिए आई थिंक नॉक रेट की जरूरत है वो हमारे पे अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो आप कुछ ये कॉम्बिनेशन बना सकते हो अगर राइडू नहीं खेलता और ग्रैंड लीग की टीम क्या कर सकते हो आप तो आपके लिए ग्रैंड लीग का एक कॉम्बिनेशन इेंट था इसको मैंने क्या सोच के टीम बनाई है वॉर्नर को आउट कराया अगर स्टार्टिंग में दीपक चेहर वॉर्नर का विकेट लेता तो हमारे लिए फैक्टर बन सकता है तो हमारे क्रेड अवेलेबल होंगे और एस पर मैंने आपको जो स्टैस अभी एनालाइज करके बताया कि स्पिनर को थोड़ा सपोर्ट करेगी तो चावला और राशिद खान के साथ गया हूँ पे जडेजा का एड भी करा है तो जडेजा आपको बैटिंग से ही पॉइंट देगा स्पिनर्स का रोल ही प्ले करेगा देन यहाँ पे मैंने क्या करा कि वॉटसन कागेंट रिकॉर्ड अच्छा था कैप्टन करा वाइस कैप्टन में केन के साथ गया उसका भी अच्छा रिकॉर्ड है तो आप ये कुछ सोच के टीम बना सकते हो राइडू नहीं खेलता राइडू की जगह आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हो ठीक है तो यहाँ पे आप जा, जा सकते हो यहां पे आप ले सकते हो भूवी तो भूवी के साथ जा सकते हो और नटराजन वगैरह और खलील अहमद को ट्राई कर सकते हो आई थिंग ग्रैंड लिखाई कॉम्बिनेशन आपके काम आ सकता है ऐसे कुछ सोच के कर पूरे एनालाइज करना वीडियो तो वीडियो अच्छे लगेगा पूरी दिल से बनाइए तो लाइक जरूर करना लाइक करने में कंजूसी ना करना और सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे दिखाई दे रहा उसके साथ जैसे दबाओगे सब्सक्राइब करे बटन अब घंटी दिखाई देगी उसको दबाना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मैसेज आपको सबसे पहले आएगी जब भी वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों और फ्रेंड का जरूर शेयर करना वीडियो अच्छे लगे तो और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछा तुम्हारा भाई सबका रिप्लाई देगा और तीसरी बात बात यह है इंपॉर्टेंट टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है वीडियो के नीचे जाना डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में नीचे जाकर कमेंट करते हैं वहां देखोगे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा ब्लू कलर का उस पे लिंक क्लिक पे करना चैनल ओपन जाएगा ज्वाइन कर लेना है और ग्रैंड लिंक में रैंक वन की फोटो लगेगी लगी हमारे टेलीग्राम चैनल फटाफट जाकर जॉइन कर मिलते नई वीडियो का जय हिंद दोस्तों बाय बाय